लोकसभा रामपुर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक रामपुर सीट है। ये सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहला चुनाव देश के शिक्षा मंत्री रहे भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जीते थे। इसके बाद साल 1967 से लंबे समय तक इस सीट पर नवाब परिवार का कब्जा रहा। नवाब जुल्फिकार अली खान पहले कांग्रेस से 1967 और 1971 में लगातार दो बार यहां सांसद बने। फिर साल 1977 की जनता पार्टी की लहर में राजेंद्र शर्मा इस सीट से सांसद चुने गए, लेकिन उसके बाद साल 1980, 1984 और 1989 के लगातार तीन चुनाव जीतकर नवाब जुल्फिकार अली खान ने हैट्रिक लगाई थी। उसके बाद साल 1996 और 1999 में कांग्रेस के सिंबल पर ही नवाब परिवार की बेगम नूर बानो ने जीत का परचम लहराया। ये सीट नवाब खानदान के साथ ही कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2001 के दशक से सपा का गढ़ कहलाने लगी और साल 2004 से 2014 तक यहां की सांसद सपा से फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा रही। हालांकि 2019 के पिछले चुनाव में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के कमल पर लड़ रही जयप्रदा को बड़े अंतर से चुनाव हराया था, लेकिन 2022 के उपचुनाव में यहां से बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा उम्मीदवार को हराकर हार जीत का हिसाब बराबर कर लिया। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें स्वार, चमरोआ, बिलासपुर, रामपुर सदर और मिलक सुरक्षित शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो रामपुर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें रामपुर और स्वार सीट से छीन ली हैं। अब 4 पर बीजेपी और 1 पर सपा का कब्जा है। रामपुर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,69,479 है। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,97,237 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,72,182 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 162 मतदाता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो साल 2022 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की थी। लोधी को 3,67,397 वोट मिले थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा को करीब 42,000 वोटों के अंतर से हराया था। आसिम रजा 3,25,205 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि नोटा को 4,450 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहा था। एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में हुए चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान ने जीत दर्ज की थी। आजम खान को 5,59,177 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा को करीब 1,10,000 वोटों के अंतर से हराया था। जयप्रदा 4,49,180 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि कांग्रेस के संजय कपूर को 35,109 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव साल 2014 में सीट पर बीजेपी के नेपाल सिंह जीते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नासिर अहमद खान को हराया था। नेपाल सिंह को 3,58,616 वोट मिले थे। वहीं नासिर अहमद 3,35,181 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी और सपा के बीच वोटों की हार जीत का अंतर करीब 18,000 का था, जबकि कांग्रेस के नवाब काजिम अली खां को 1,56,466 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा की जयप्रदा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस की बेगम नूर बानो को हराया था। जयप्रदा को 2,30,724 वोट मिले थे। वहीं नूर बानो 1,99,793 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही थी। जयप्रदा और नूर बानो के बीच वोटों के हार जीत का अंतर करीब 30,000 का था, जबकि बीएसपी के घनश्याम लोधी को 95,132 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सीट पर सपा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जीती थी। उन्होंने कांग्रेस की बेगम नूर बानो को हराया था। जयप्रदा को 2,89,390 वोट मिले थे। वहीं नूर बानो 2,03,116 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। जयप्रदा और नूर बानो के बीच वोटों के हार जीत का अंतर करीब 85,000 का था, जबकि बीएसपी के अफरोज अली खान को 1,26,406 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे।
रामपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 7 है। ये मुस्लिम बाहुल मानी जाती है, जबकि लोधी दलित और सिख वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका में है। ये सीट 2004 तक कांग्रेस का गढ़ कहलाती थी और नवाब परिवार का यहाँ कब्जा रहा था, लेकिन 2004 के बाद से समाजवादी पार्टी और मोहम्मद आजम खां का मजबूत गढ़ बन गई। हालांकि साल 2014 के बाद से बीजेपी का जनाधार भी इस सीट पर बढ़ा है और मौजूदा समय में भी उसी का कब्जा है। अब तक हुए उपचुनाव समेत बीजेपी इस सीट पर 4 बार जीत चुकी है, जबकि सपा को 3 बार जीत मिली है। देश में आम चुनाव 2024 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस बार रामपुर सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी पर ही फिर से दाव लगाया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन से मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी ने हाथी की सवारी का जिम्मा जीशान खान को दिया है। ऐसे में रामपुर की सियासी जंग त्रिकोणीय मुकाबले की बनती दिख रही है। यूपी की इस हॉट सीट पर बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच मुकाबला होने का लाभ बीजेपी प्रत्याशी को मिल सकता है, क्योंकि सपा और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव खेला है, जिससे कमल के खिलने में आसानी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।